Welcome to Versus Paradise. बहुत दिनों बाद आज एक वीडियो बनाने का मन कर रहा है एंड टू शेयर विथ यू. सो लेट्स हैव समथिंग हेल्दी एंड फॉर द स्नैक टाइम कम. सो गाइज, हमारे पास है आज बनानास. वी आर गोइंग टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग विद द बनानास. सो 6 बनानास आई हैव गॉट. मेरे पास आटा है, चीनी है, दूध है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बनानास को मैश करेंगे. इनको अच्छे से स्मैश करना है जब तक पूरा ये पानी पानी नहीं हो जाते, एकदम पतले. गाइस, बनाना पूरे मैश हो चुके हैं, ये देख ले, पूरा सम वॉटरी हो गए ये. अब हम ले लेते हैं थोड़ी सी चीनी. ये मैंने करीबन 1.5 कप चीनी ली है, बट आई एम मिक्सिंग इट. मैं धीरे धीरे इसमें मिक्स करूंगी, एक साथ में. बिकॉज ये चीनी भी घुल जानी चाहिए इसमें. बाद में जब हम लोगों को लगेगा कि थोड़ा मीठा कम है टेस्ट करने के बाद बैटर में, तो हम लोग इसमें और भी ऐड कर सकते हैं. ये देखिए, और भी स्टफ हमारा जो है बैटर वॉटरी हो गया है. ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें आटा हम लोग ऐड करेंगे. ये भी आधा मैंने साइड में रख लिया है, पहले थोड़ा मिक्स करके देख लेती हूँ. पूरा अगर हो जाता है तो फिर हमको और ऐड करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा ड्राई हो जाना चाहिए बिकॉज हम लोगों को मिल्क भी ऐड करना है इसमें. बहुत ही इजी, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे ही मिल जाएंगे. इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा हो गया है, थोड़ा और इसमें मैं डाल देती हूं आटा. ये वीट का आटा है, मैदा नहीं है. कुछ हद तक इसको हेल्दी बनाने के लिए. अब तक तो आप समझ ही गए होंगे हम लोग क्या बना रहे हैं. सो दिस इज एडेड. अभी इसमें मिल्क ऐड कर लेते हैं. ये भी स्लोली एंड स्लोली, एक साथ नहीं करना है. आधा आधा किया है मैंने ऐड. मिक्स करना है पूरी चीजों को. ये बैटर देखिए मस्त पतला हो गया. मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ कि मिठास इसमें पूरी है कि नहीं. आई थिंक परफेक्ट मीठा हो जाएगा. नाउ अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेते हैं. ये हमने ऑयल भी ऐड कर दिया इसमें. आप लोग बटर भी ऐड कर सकते हैं इफ यू गाइज वॉन्ट. ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर एंड ये बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे. सो दैट केक जो है थोड़ा फ्लफी हो जाए. मैंने थोड़ा ऑयल ऐड कर दिया है. विच एवर ऑयल यू यूज एट होम, घर पे जो भी ऑयल है आपके. ये देखिए बैटर एकदम पतला जैसा हो गया है. नॉट सो पतला, नॉट सो गाढ़ा. ये देखिए, ये इसकी थिकनेस है. बनानास लगने चाहिए कि इसमें है. अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे जिसको हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से.
ठीक है। अब ये जो बैटर है हम इसमें पोर कर देंगे। यस, वी आर गोइंग टू मेक केक। ये इसमें मैंने पोर कर दिया है, थोड़ा जगह रखी है बिकॉज वो जब ऊपर आ जाएगा केक तो उसमें जगह रहनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, ये प्रेशर कुकर जो है हमने लिया हुआ, प्री हीट कर लेते हैं इसको। हम ये केक बनाएंगे प्रेशर कुकर में। थोड़ा मैंने गैस ऑन रखा था तो लेट्स सी, हो गया है। ये स्टैंड है जो हम अंदर रखेंगे। नाउ स्लोली ये जो बैटर है हम लोगों ने इसमें डाला था, ये मैं इसमें रख देती हूं। ठीक है, और ढक्कन भी रख देती हूँ प्रेशर कुकर का। ये सीटी हमको निकाल देनी है बिकॉज वेपर्स उसमें इकट्ठे नहीं होने चाहिए व्हाइल वी आर मेकिंग द केक। तो हम इसको मीडियम हीट पे, सो गाइज अब ये केक हमने रखा हुआ है तो 45 to 50 minutes मीडियम हीट पे रखें एंड बीच बीच में हम लोग ढक्कन खोल लेते हैं, देखते रहेंगे। सो लेट्स वेट गाइज, 50 minutes हो चुके हैं, अब गैस बंद कर देते हैं। वाह, ये केक हमारा हो गया है। अब ये टूथपिक इसमें डाल के देख लेते हैं, दिस शुड कम आउट क्लीन। सी, कुछ चिपका नहीं हुआ है इस पे। सो हमारा केक रेडी हो गया है, हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब इसके साइड्स जो है वो रिलीज कर लेते हैं। केक जो है रिलीज हो गया है, अब इसको पलटी मार देंगे। ये देखिए निकल गया हमारा केक, मस्त। सी द सॉफ्टनेस ऑफ द केक, ये देखिए सॉफ्टनेस कितनी हो गई है। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड्स, मुझे बताइए आपको ये बनाना व्हीट केक कैसा लगा एंड प्लीज कमेंट्स में लिख के बताएं। थोड़ा टाइम लग गया वीडियोस बनाने में बट दैट्स ओके, आई थिंक यू इट्स वर्थ इट। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। आई ऑलवेज वेट फॉर योर कमेंट्स सो दैट मुझे पता लगे कि क्या है, कैसा है, आपने ट्राई किया क्या। सो टिल देन, बाय बाय।